सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, Exercise is not only beneficial for your physical health but also contributes to your peace of mind. Your body can do it. It's time to convince your mind. Hi friends, my name is Saiba Sangroya. And I'm Priyal Kumar. Welcome to your favorite show, Jazz Junior. तो friends, अब मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपने new friend से Priyal Kumar. थैंक यू साहिबा, आई एम सो ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो. तो हम लोग आ गए हैं आपसे आज बहुत सारी नई बातें एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करने. करेंगे प्यारी प्यारी बातें और रखेंगे आप सबको फिट. और हम आज पीकू से सीखेंगे पानी वेस्ट ना करने के एंड उसे स्वच्छ रखने के नए तरीके. यस दी, मुझे और मेरे फ्रेंड्स को तो पीकू की स्टोरीज बहुत पसंद है. मुझे भी बहुत पसंद है, मैंने आपके सारे शोज देखे हैं. आई नो फ्रेंड्स, हम लोग स्वच्छ एनवायरनमेंट में रहेंगे तभी तो हम साफ हवा ले सकेंगे और हमारी सेहत भी ठीक रहेगी. ये तो आपने बहुत ठीक कहा दी. इफ यू आर एक्टिव इट हेल्प्स यू टू डील विद स्ट्रेस. तो फ्रेंड्स, आप सब भी अपने आस पास का एनवायरनमेंट साफ रखें और शुद्ध पानी और हवा का आनंद लेते रहें. दी, आप कुछ भूल रही हैं. लगता है आप हर रोज मॉर्निंग वॉक और शुद्ध हवा इनहेल नहीं करती हैं. नहीं साहिबा, मैंने तो अपने लाइफ का पार्ट बना लिया है हर दिन एक्सरसाइज करना, मगर मैं भूल क्या रही हूँ. श्वेता दी एंड हर टू जूनियर फ्रेंड्स. ओह यस, मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ. हमारे टू जूनियर्स तो मेरे लिए ट्रू इंस्पिरेशन है. सो लेट्स वेलकम श्वेता दी एंड हर टू जूनियर फ्रेंड्स आफरीन और अनविता. नमस्कार, आप सभी के लिए मैं श्वेता फिर से हाजिर हूँ इन दो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ. आप सभी ने सुना होगा, जो लोग खुद से प्यार करते हैं वो अपने आप को स्वस्थ रखते हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि आप सब लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का एपिसोड विद लव. तो चलिए वार्म अप करके अपनी बॉडी को वर्कआउट के लिए तैयार करते हैं. आज का वार्म अप है आइसोलेशन विद नी अप. आज हमारा फोकस है बेली फैट पे. पहली एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है हाई नी अप्स. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपका बेली फैट रिड्यूस करने के लिए. दूसरी एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है एक्सटेंडेड ट्विस्ट. ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर योर लोअर एब्डोमिनल एंड स्ट्रेंथ. थर्ड एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है फ्रंट हील टच विथ स्ट्रेट लेग. इट ट्रिम्स योर वेस्ट वेरी वेल. फोर्थ एक्सरसाइज जो आज हम करेंगे वो है क्रॉस ओवर टो टच. दिस वर्क्स ऑन योर एंटायर स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी.
जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ, ये सारी एक्सरसाइजेस को आपको सेट में करना है, मिनिमम ऑफ 3 सेट्स। तो चलिए कूल डाउन करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। टिल देन बी एक्टिव, बी ऑसम। थैंक्स अ लॉट श्वेता दी, अफरीन एंड अनुविता फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच श्वेता दी एंड आवर टू जूनियर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इफ आई टेल यू डेली एक्सरसाइज लाइक वॉकिंग कैन मैच योर वेल बीइंग एंड ऑल्सो हेल्प यू लीड अ बेटर लाइफ। Yes, the regular physical activities contributes to an overall well-being and vitality. So friends, aaj hum baat karenge hamare experts Dr. Ridwana Sanam se, who is a senior consultant physiotherapist, a self-entrepreneur, an author, a speaker, a mentor, and a life coach on for holistic well-being. And our second guest, Sanjana, who is a state-level kabaddi player from SKV West Vinod Nagar, Delhi. So let's welcome Dr. Ridwana Sanam. Thank you so much for joining us, ma'am. Thank you so much. Let's also welcome Sanjana from West Vinod Nagar, SKV. Thank you, Sanjana. तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले देख लेते हैं एक शॉर्ट फिल्म। हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं SKV वेस्ट विनोद नगर के कुछ स्टूडेंट्स। आइए उनसे बातचीत करते हैं। सो फ्रेंड्स, कैन वी प्लीज हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? एज जूनियर फ्रेंड सेड, सो व्हाई इज फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट फॉर ओवरऑल वेलबींग? एज वी नो, एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विल डेफिनेटली प्रमोट अ गुड हेल्थ, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। So whenever we do any kind of activity, we are there, which is called presence of mind and mindfulness. So you know, our teachers, our family would keep saying, be mindful, presence of mind. So it's very difficult for human mind to be present generally with all any kind of other activity, because whenever we, let us say, studying, then our brain will be somewhere else, we will be thinking something else and we are studying something else. So I believe when we are doing physical activity, उसकी वजह से हम उस पल में होते हैं, और जब हम प्रेजेंट टाइम में होते हैं उसी को प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं, माइंडफुलनेस कहते हैं। उसकी वजह से माइंड शार्प होता है, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ता है, और ओवरऑल वेलबींग का मतलब है इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। दैट मीन्स ओवरऑल हेल्थ की डेवलपमेंट हो जाती है। दैट इज़ वाई फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि क्यों ना हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्टिविटी चूज करें एंड उसी को जारी रखें? एक्टिविटी हमेशा हमें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक ही चूज़ करनी चाहिए, बिकॉज जब हम अपने इंटरेस्ट के मुताबिक चूज़ करते हैं, देर इज़ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर 100% इनटू इट एंड वी एन्जॉय इट। उसकी वजह से हमारे ब्रेन में केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स जो हैप्पीनेस के लिए होते हैं वो रिलीज होते हैं, और हम हमेशा पीसफुल और रिलैक्स फील करते हैं,
और वो जो भी एक्टिविटी होगी वो हमें सर्व करती है उस टाइम पर वेलबींग को। तो मेरे ख्याल से बच्चों पे हमेशा कोई भी एक्टिविटी जब चूज़ करने की बात आती है, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो या कोई भी कम्युनिटी मेंटोर हो, आई बिलीव वी शुड गिव देम फ्रीडम टू चूज़ देयर ओन एक्टिविटी ताकि उनकी डेवलपमेंट खुशहाली से हो और हम एक खुशहाल परिवार, एक खुशहाल इंसान जो स्कूल में होता है वो स्प्रेड कर सकता है हैप्पीनेस। तो मेरे ख्याल से एक्टिविटी हमेशा अपने मुताबिक चूज करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर द लवली आंसर। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, आप में से किसी को अगर डॉक्टर रिद्वाना से कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। मैम, हाउ कैन फिजिकल एक्टिविटीज इफेक्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स? You are such a little girl, beautiful one. I believe managing stress at this level should not be there in our mind even, because why should we manage stress? You know, when we say healthy and happy planet means healed planet. So that means we need not to carry the baggage in the brain. So stress is nothing. It is when we live in the past or we carry the past, that's called stress. So let us assume we do extracurricular activity or outdoor sports we play or any kind of activity which serves you joyful and peaceful hormones and chemicals jo ke hamare brain mein hote hain. To jab hum kehte hain ki happiness is a choice, happiness insaan ke andar hai, means hamare brain mein hai ye sab. To agar hum past ko as it is accept kare, uske us par hamara koi control nahi hai, usko future mein better karne ki koshish kare aur present mein rahe, to stress naam ki koi cheez nahi hai medically. प्रेजेंट में रहे, अपना हार्मोनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज हेल्दी हैप्पी लाइफस्टाइल के लिए हार्मोन बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू मैम। कैन वी प्लीज हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इफेक्ट डज एक्सरसाइज हैव ऑन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस? सो बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्रॉनिक डिजीज़ होता क्या है। क्रॉनिक मीन जो लॉन्ग टर्म रहा हो बॉडी में, जिसको हमने आइडेंटिफाई नहीं किया, राइट डायग्नोसिस नहीं करवाया और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जो बॉडी को सूट करे। एक्चुअली देखा जाए, हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो जिस तरीके से हमें रब ने बनाया है, क्रॉनिक नाम की कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास आयुर्वेदा है, हमारे पास नेचुरोपैथी है। हम जिस देश में रहते हैं इसमें बहुत सारा बेसिक नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। उसके बाद अगर हमें वो सूट नहीं करता तो होम्योपैथिक है, आयुर्वेदा है, एंड देन कम्स द एलोपैथिक। टेक्नोलॉजी है, रिसर्च डेवलपमेंट हो रहा है, आजकल हर चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो लेट अस से किसी ने यंग एज में अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक नहीं रखा, जैसे स्टूडेंट्स की लाइफ में अपना बैग ठीक नहीं उठाया, वन साइड यूज़ किया, स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद पेन हुआ, हमने उस पेन को, जो पहला सेंसेशन होता है हमारी बॉडी का, जो सिग्नल है जो हमें सुनना चाहिए कि बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं, जबकि हमारी बॉडी हमें बोलती है कि कुछ गड़बड़ है, इसको ठीक करिए। बट हम क्या करते हैं, हम कुछ होम रेमेडी करते हैं, उसको डिले करते हैं और उसकी वजह से वो धीरे 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 डेवलप हो जाता है। हमारे किसी रॉन्ग पोस्चर की वजह से या किसी लापरवाही से या कोई इंजरी होती है ओल्ड, जो स्पोर्ट्स के टाइम रही होती है बचपन की, और फिर जब हम बड़े हो जाते हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ हो जाता है, बिकॉज क्रॉनिक मीन्स लॉन्ग टर्म। तो अब लॉन्ग टर्म में फिजिकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। लेट अस से किसी को नीज़ में प्रॉब्लम है तो वो चल नहीं सकते, वो खेल नहीं सकते, किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम है, जब बॉडी टेढ़ी हो जाएगी तो एक्सरसाइज कैसे करेंगे। तो हमें क्या ख्याल रखना है, अगर क्रॉनिक प्रॉब्लम है सबसे पहले उसका ट्रीट करें, जो भी बॉडी को जो भी ट्रीटमेंट सूट करता है, जिस लेवल का ट्रीटमेंट उनको सूट करता है उस डॉक्टर को दिखाएं, अपना ट्रीटमेंट करें। और फिजिकल हेल्थ की बात आती है तो फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लाइफ में पहले। सो इस स्टेजेस पर अगर इसका ट्रीटमेंट कराया जाए और वो प्रॉब्लम ठीक हो जाए, अब वो 100% तो हो नहीं सकती बिकॉज वो क्रॉनिक हुआ है, तो लेट अस से अज्यूम कुछ रहेगा उसका इफेक्ट बॉडी पे, उस टाइम पर हमें फिर फिजिकल एक्टिविटी उसके मुताबिक, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस, उसके लिए एक एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है, उससे कस्टमाइज उस इंसान को क्या सूट करेगा उतनी ही एक्सरसाइज करानी चाहिए, सीखनी चाहिए या एक्सपर्ट से करवाना चाहिए। तो एक्सरसाइजेस का रोल क्रॉनिक डिजीजेस में है, बट आफ्टर हीलिंग, आफ्टर द ट्रीटमेंट। सो फर्स्ट ट्रीटमेंट, देन प्रिकॉशंस, एंड देन द एक्सरसाइजेस फॉर मेंटेनेंस टू लिव अ हेल्दी लाइफ। तो संजना, मेरा सवाल आपसे है, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
एंड आप क्योंकि एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर हैं, तो आप हमको ये बता सकते हैं कि आप अपने डेली लाइफ में एक्सरसाइज कैसे करते हैं? यस श्योर, हर स्पोर्ट पर्सन के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है डेली वर्कआउट, क्योंकि अगर हम स्किप करके करते हैं तो वो जो कंटिन्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, फिर वापस फ्लो बैक नहीं आता है। तो फ्रॉम 4:30 to 6:30 वर्कआउट होता है 2 आवर्स का, उसके बाद हाफ आवर के लिए रेडी होना होता है स्कूल के लिए, एंड स्कूल फिर वापस आके ट्यूशन्स क्लासेस लेने के बाद वापस स्टेडियम जाना होता है, वहाँ पे वर्कआउट करना होता है, वहाँ पे प्रैक्टिस करनी होती है। स्पोर्ट पर्सन के लिए ज़रूरी होता है डाइट बहुत ज़रूरी, जितना ही वो ग्राउंड या फील्ड में मेहनत करता है उतनी उसको डाइट पे अपना ध्यान देना चाहिए। आपका जो डेली रूटीन है वो लाइक डेली आप यही फॉलो करते हैं या फिर जब आप कम्पीट करने चाहते हैं तो आपका रूटीन चेंज हो जाता है? चेंज मतलब 50% चेंज, क्योंकि डाइट वगैरह तो हमारी वही रहती है, बट एज नॉर्मल डे हम ज़्यादा वर्कआउट करते हैं अपने स्ट्रेंथ के लिए, बट अब हम कम्पीट करने चाहते हैं तो फॉर कॉम्पिटिशन हमें हमारी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो हम वो एनर्जी कॉम्पिटिशन के लिए रखते हैं स्टोर करके, क्योंकि अगर हम पहले से ही सब ख़त्म कर देंगे तो वहाँ कॉम्पिटिशन में जाने के लिए हमारे पास एनर्जी नहीं बचेगी। तो स्टूडेंट्स, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आप में से कोई रेगुलरली हर दिन एक्सरसाइज करता है? यस, मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्थ जो है मोस्ट ऑफ ख़राब ही रहती है, तो मुझे डॉक्टर ने प्रेफर किया था कि आप रोज़ एक्सरसाइज करो। मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि मेरी इम्यूनिटी लो है, एक्सरसाइज करने के बाद मुझे पसीना आता है जिसकी वजह से मेरी बॉडी कूल रहती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ टाइम मेरी बॉडी हीट करती रहती है जिससे लगता है कि मुझे बुखार है। थैंक यू सो मच संजना फॉर जॉइनिंग आवर शो। इट्स माय प्लेजर, थैंक यू। तो हमारे साथ अब जुड़ने जा रही हैं स्तुति, हमारी जूनियर गेस्ट। वेलकम स्तुति, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। So Stuti, I would like to ask you, can you sum up G20 for us, which has recently ended? Yes. G20 is a group of 20, that is 19 sovereign countries and one European Union. G20 mainly focuses on some issues of global economy like financial stability. G20 is mainly very happening for celebratory countries like India, which are very celebratory, which promote their culture openly on the global chart. G20 was only started for the financial bankers and the central bankers, for the financiers and the central bankers of 20 of the largest establishing and emerging countries to know more about their finances. So G20 recently has started with a summit which recently happened, and it mainly focuses on the climate change. Thank you so much, Stuti. तो आप आए, आपने हमारे को ज्वाइन करा, आपने हमारे साथ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करी, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक यू सो मच। सो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, दैट हाउ डू स्पोर्ट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से द कोऑर्डिनेशन इज अ न्यूरोलॉजिकल इशू जो कि हमें बैलेंस कराता है, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो फिजिकल बॉडी का काम है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब मेरी मसल में से कितना स्ट्रेच हो रहा है, जैसे मानिए खड़े होके हमें योगा करना है, जो योगा के जो सूर्य नमस्कार के जो आसन्स है, अगर हम टोज़ को टच नहीं कर रहे हैं तो हमें पता चलता है हमारे में स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो उसकी वजह से हमें फ्लेक्सिबिलिटी जानना है सबसे पहले, कि मसल्स को प्रॉपर स्ट्रेच करना, और फिज़िकल एक्टिविटी का बहुत बड़ा रोल रहता है, लेकिन बहुत जगह पे जैसे कि हमें अरे डीडी के जो ऑडियंस है वो विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स के ज़्यादा लोग होते हैं अक्सर मैंने देखा है, तो वहाँ पे गर्ल्स को फिज़िकल एक्टिविटी मतलब घर का काम कराते हैं, और पीपल थिंक कि वो फिज़िकल एक्टिविटी हो गया, नो, वो एंगेजमेंट हो गया, ब्रेन एंगेज हो रहा है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में डेली, उससे हमारी बॉडी को बेनिफिट नहीं हो रहा है, रादर देन हम बॉडी का यूज़ कर रहे हैं डेफिनेटली, बट वो भी ज़रूरी है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर फिजिकल एक्टिविटी लेते हैं, लेट अस से योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, जो हमने एक गेम में भी अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, तो मेरे ख्याल से जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा उसके लिए स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। मानिए ये बाइसेप्स है, इसका स्ट्रेच करेंगे ऐसे करके तो, या ऐसे करें तो हम स्ट्रेच कर रहे हैं बॉडी को, जैसे ऐसे करेंगे तो नेक पेन के लिए हम स्ट्रेच कर रहे हैं। तो स्ट्रेचिंग का मतलब है फिजिकल एक्टिविटी वो चूज़ करें जिससे बॉडी की स्ट्रेचिंग हो, और जो कोऑर्डिनेशन है हमारा उसके लिए नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी, जैसे मेरे लिए नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी है अगर मैं साइकिलिंग करती हूँ
तो मैं अगर क्लॉकवाइज करूं तो मैं एंटी क्लॉकवाइज भी करती हूं। अगर हम ब्रश राइट हैंड से करते हैं तो हमें लेफ्ट से भी करना चाहिए। ये एक्टिविटी है। योगा जो एक गिफ्ट मिला है हमें, उसका अगर यूटिलाइजेशन किया जाए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्ट्रेंथ भी है और कोऑर्डिनेशन भी है। मेरे ख्याल से अगर हम रोज़ 45 मिनट्स टू वन आवर योगा करें और हम सब एक हेल्दी और फिट नेशन हो सकते हैं और हेल्दी बॉडी हो सकती है। मैम, कैन यू हेल्प अस ऑन हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑन अ डेली बेसिस? मोटिवेशन शुड बी सेल्फ मोटिवेशन, इट शुड नॉट बी एक्सटर्नल मोटिवेशन। सो सेल्फ मोटिवेशन कम्स ओनली जो हमें चूज करना होता है, जो हमें अच्छा लगता है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप चूज करिए एक्टिविटी, तो सेल्फ मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आता है। हम जल्दी उठ सकते हैं अगर हमारी फेवरेट एक्टिविटी है, एक्सरसाइजेस को हम लाइक करते हैं। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन इज सेल्फ मोटिवेशन। हमें पर्सनैलिटी पर देखना होगा कि हमें क्या सूट करता है। साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, हम मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट की हेल्प ले सकते हैं। हम जिस संगत में रहते हैं उसका असर हम पे आता है। तो मोटिवेशन के लिए मेरे ख्याल से संगत बहुत ज़रूरी है। अपना फेवरेट एक्टिविटी चूज़ करेंगे ताकि हम सेल्फ मोटिवेटेड रहें और हम खुशहाली से हम खेलें, कूदें, पढ़ें और अपने सपने पूरे करें। डॉक्टर रिद्वाना एंड स्तुति, आप दोनों हमारे शो में आए, आप दोनों ने हमारे साथ इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करी। सो थैंक यू टू द बोथ ऑफ यू। Thank you for joining us. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you so much for joining us on our show. Thank you so much. तो friends, अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि physical activity हमारे daily routine में कितना important है। Regular activity keeps your heart strong and it reduces the chances of high blood pressure. Constant movement also releases chemicals in your body that makes your body happy. तो साहिबा, क्या पीकू आज भी हमारे को कोई नई स्टोरी सुनाएगी? हाँ दी, ऑफ कोर्स, वो तो हर वीक न्यू स्टोरीज लेकर आती है। इस बार भी कुछ होगा उसके पास, तो चलो देखते हैं। हाय साहिबा, हाय प्रियल्दी, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना एग्जाम डेट देख रही हूँ। लगता है आप बहुत बिजी हैं। अरे पीकू, हम बिजी नहीं है। क्या तुम्हें पता है आजकल साफ पानी की कितनी मारामारी है? मुझे नहीं पता पीकू, हमें तो साफ पानी आराम से मिल जाता है। तभी आपको पानी के इम्पोर्टेंस नहीं पता। क्या मतलब पीकू, क्या कहना चाहती हो? अरे साहिबा पीकू, तुम लोग आपस में क्यों बहस कर रहे हो? पता है दी, हमारी कॉलोनी में अक्सर पानी का टैंकर नहीं आता है। अरे हमें तो इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आवाज उठानी होगी साहिबा। बिल्कुल सही, और हमें मॉनसून के पानी को भी इकट्ठा करना चाहिए। पीकू तुम तो बड़ी समझदार हो, हम भी तो बारिश का पानी इकट्ठा कर सकते हैं। समझी साहिबा, आओ मैं सुनाती हूँ तुम्हें एक कहानी। जल संरक्षण है एक संकल्प, नहीं है इसका कोई दूसरा विकल्प। तो क्या पीकू तुम हमें बुंदेलखंड लेके जा रही हो पानी की सहेलियों से मिलवाने? तो चलो चलते हैं बुंदेलखंड की स्टोरीज को सुनने। इस तरह से कब तक चलेगा? सीमा मैडम कह रही थी कि आर्य कॉलोनी के लोगों ने पानी बचाने की मुहिम शुरू की है और अब उनके वहाँ काफी पानी आता है। कई लड़कियों ने नया काम पकड़ा है। लेकिन हम कैसे करेंगे? यहाँ तो पानी का दबाव इतना कम है, तो जब है ही नहीं तो कैसी बचत? अरे अरे बंद करो बंद करो, ये तो अनैतिक है। वो इतना पानी क्यों जाया कर रहे हैं? हमें ऐसे पानी की ज्यादती के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। अब मैं जल सहेलियों का स्वागत करती हूँ। आज हम पानी के बचत के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं अपनी सहेली को कुछ शब्द कहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। शावर इस्तेमाल करने की जगह बाल्टी इस्तेमाल करके आप रोजाना 150 लीटर पानी बचा सकते हैं। और खराब नल को ठीक करने के बाद आप रोजाना 20 लीटर पानी बचा सकते हैं। और टैंकों पर वाटर लेवल मीटर और अलार्म लगाए जा सकते हैं। इससे घर के लोगों को पता चलता है कि उनके टैंक में कितना पानी है और जब टैंक भर जाता है तो अलार्म से उन्हें सूचित किया जाता है। वाकई ये बहुत उपयोगी होता है। इससे न केवल पानी की बचत होती है
बल्कि इससे टैंक ओवरफ्लो से पानी की वेस्टेज को भी रोका जा सकता है। हाँ, और अगर आप अपने घर में टैप और शार बदलने का सोच रहे हैं तो पानी की बचत के लिए लो फ्लो फिटिंग लगाएं। इससे आप अपने घर में पानी की बचत कर सकते हैं। और एक और बात सुनो, जब आप अपने बर्तन धोते हैं तो बर्तनों को धोने के लिए पानी की जगह एक बर्तन में पानी भरकर उसमें साबुन डालें और फिर साबुन वाले बर्तन से बाकी बर्तन धोएं। इससे पानी की बचत कर सकते हैं और साथ ही साथ बर्तन भी साफ हो जाएंगे। बहुत सही कहा, इस तरह से हम सब मिलकर पानी की बचत कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को भी सेफ बना सकते हैं। मॉनसून के समय इस खूंचे में बारिश का पानी जमा कर सकते हैं, फिर सूखे मौसम में इस पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बारिश के पानी से हम ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर पाएंगे, जिससे हमारी समस्याओं का भी समाधान हो सकता है। आज मैं भी अपने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात करूंगी। और मैं भी, चलो हम सब मिलकर पानी बचाएं। अरे वाह, पीकू ने तो आज बड़ी अच्छी कहानी सुनाई। हर वीक पीकू हमें बताती है कि वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, और हमारे जूनियर फ्रेंड्स भी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और उनको बहुत मोटिवेशन एंड बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। थैंक यू सो मच पीकू फॉर द लवली स्टोरीज। थैंक यू पीकू। Friends, now it's time to take your leave. We will meet you next week at the same time with some new topics only on your favorite show, Jazz Junior. For any feedback, please mail us on dd.jazzjunior@gmail.com. और हमें Facebook और Instagram पर follow करना मत भूलिएगा. Till then, stay safe and out of trouble, my friends. Bye.